करप्शन को मिटाने के मार्ग में ये सरकार का महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है और दो वर्ष में जो बस के भीतर 130 से भी अधिक भ्रष्ट ऑफिसर स्टाफ को की गिरफ्तारी हुई है। सारूप कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 903 किलोमीटर एनएच पथों का विकास हेतु 9400 करोड़ की योजनाएं को केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु कोडरमा हजारीबाग रेल खंड एवं हजारीबाग बोडका काना रेल खंड पर रेल परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। सीएनडी एक्ट 1908 एवं एसपीटी एक्ट 1949 अधिनियम के संशोधन का निर्णय अभूतपूर्ण ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय है। हमारी सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे राज्य के विकास के बाद ही या आदिवासियों मूलवासियों की हितों के रक्षा का सवाल, सरकार इस बार में कोई समस्या करने के पक्ष में नहीं है। इससे ही सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश का सृजन हुआ आदिवासियों। राज्यपाल महोदया के द्वारा जो अभिभाषण आज सदन के पटल पर पढ़ा गया है वो साफ तौर पर झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ के पुलिंदे को माननीय राज्यपाल महोदया के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने प्रस्तुत करने का जो काम आज इस सरकार ने किया है ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है। महामहिम के अभिभाषण में उस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है और कोई विस्तार से उसके बारे में नहीं बतलाया गया है और तो और महामहिम के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार ने जो तथ्य रखे हैं वो तथ्य से काफी बड़े हैं क्योंकि तीसरे पायदान से सातवें पायदान पे सरकार चली गई है जबकि यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि उस शीर्ष स्थान पे है, मतलब शीर्षस्थ स्थानों पे है। तो महामहिम के माध्यम से सरकार ने एक तरह से झूठ बोलने का काम किया है।